हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप लोकल फाइल को कैसे स्पॉटिफाई के जो भी आपने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें सेट हो जाए। तो इसके लिए हमें डेस्कटॉप पे या अपने पीसी पे होना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये फीचर आपको अपने फ़ोन पे नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे मेरा यूआरएल देख रहे हैं, spotty.com US को एंटर किया, आपको ये पहला पेज यानी होम पेज मिलता है। यहाँ पे हम जाते हैं ओपन वेब प्लेयर, इसे क्लिक करते हैं तो एक होम पेज आता है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये एक स्पॉटिफाई का वेब है, तो इसमें हमें कम फीचर मिलते हैं। तो हमें सारे फीचर को लेने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल ऐप करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इंस्टॉल ऐप करते हैं तो इस तरह का एक पेज दिखाई पड़ता है। डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप है, आप इसे डाउनलोड करें। इसमें दो तरह के ऐप डाउनलोड हो जाएंगे आपके डेस्कटॉप पे। जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है तो आपके पास डेस्कटॉप के होम पेज में इस तरह का एक आइकन दिखाई पड़ेगा। इसे क्लिक करते हैं, हमें ऐप के सारे फीचर्स दिखाई पड़ते हैं, हमें उस तरह का एक नया होम पेज दिखाई पड़ता है। जब आपने डेस्कटॉप में अपने ऐप को डाउनलोड कर लिया, वहां पे लॉगिन करने के बाद इस तरह से एक पेज क्रिएट हो गया। आपके लॉगिन का नाम आ रहा है और यहाँ पे एरो, हम जैसे ही इसे क्लिक करते हैं या सेटिंग का एक बटन आता है, हम उसको क्लिक करते हैं, फिर हम इसे स्क्रोल करते हैं। यहाँ पे आप लोकल फाइल्स देख रहे हैं। जब मैंने इसे डाउनलोड किया था तब ये बंद था, इस तरह से था। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं ये ग्रीन हो जाता है और हमारे साइड में लोकल फाइल लिस्ट दिखाई पड़ने लगती है। तो यहाँ पे हम लोकल फाइल को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी गाने हैं हमारे डेस्कटॉप पे वो शो हो रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप जो भी गाना अपने स्पॉटिफाई के प्लेलिस्ट में डालना चाहते हैं आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। अब हम जैसे अगर इस गाने को देखते हैं, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड टू प्लेलिस्ट करेंगे, अब यहाँ पे वो हमारे सारे प्लेलिस्ट दिखाई पड़ रहे हैं जो हमने बनाए हैं। तो अगर हम एक मैंने एक यूट्यूब प्लेलिस्ट बना रखा है, मैं इसे क्लिक करती हूँ तो ये गाना हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम आते हैं अपने साइट पे जहाँ पे यूट्यूब लिखा हुआ है और ग्रीन बटन दिखाई पड़ रहा है, इसे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जिस गाने को हमने सेलेक्ट किया था वो हमारे प्लेलिस्ट में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको फ़ोन पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको फ़ोन पे लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं और ये हमारा यूट्यूब का प्लेलिस्ट है। तो जैसे ही हम इसको लेके जाते हैं, हमने इस गाने को सेव किया था, अब वो अभी यहाँ पे डाउनलोड नहीं है। इसको डाउनलोड करने के लिए हम पहले यहाँ पे बटन को क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया है। तो जैसे ही हम इसको डाउनलोड का बटन क्लिक करते हैं ये गाना भी हमारे प्लेलिस्ट में सेट हो जाएगा, लेकिन ये फ़ोन पे तभी चलेगा जब आपने इसका प्रीमियम ले रखा होगा। और अगर आप इसको फ्री में सुनना चाहते हैं तो आपको इसको पीसी में आराम से लोकल प्लस ऑनलाइन जो भी स्पॉटिफाई का गाना है वो सुन सकते हैं। तो ये रही एक स्पॉटिफाई पे कैसे लोकल फाइल को लेकर आते हैं अपने प्लेलिस्ट पे इस पर वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू।